Okay, and recording has started. Let me share the Yes, the whiteboard is visible. Student is yes, thank you so much. Okay, chalo, great. Okay, we'll start the session. Okay, I'll just give you one more. There are write down one more formula which was actually pending. One frustum of a cone. Frustum of a cone. फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज व्हाट सी आप लोगों ने कोन देखा रहेगा कोन का नीचे वाला पार्ट अगर आपने कट कर दिया तो दैट्स कन्वर्टेड इनटू बकेट जो अपने घर पे होता है या आप ग्लास ऑफ वाटर सो दैट इज कॉल्ड वेट अ मिनट स्टूडेंट हेलो ओके Suppose, let me explain. This is frustum of a cone. यहां पर एक सर्कल होगा क्लियर दिस एवरीवन दिस इज सर्कल यहां पर रेडियस होगा और ये एक सर्कल है यहां पर रेडियस होगा क्लियर दिस इज और ये आपका होगा हाइट जॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ये आपका था पब्लिक दिस इज आर वन ये आपका होगा आर टू एंड दिस इज इट्स हाइट हाँ यस सर एक्चुअली राइट नाउ आई एम इन ऑनलाइन सेशन आई कांट टॉक टू यू बट मेबी टुमारो यस ओके ओके सो राइट डाउन हियर सी दिस इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज व्हाट व्हेन अ कोन इज कट सी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हेन ए cone is cut the leftover part is called frustum of the cone is called frustum of the cone clear everyone to ye suppose agar dekho yahan par agar apne isko aage join kar liya student यहां से आगे तो ये आपका बन जाएगा कौन तो ये वाला पार्ट कट कर दिया गया है क्लियर तो फ्रस्टम मतलब कोन व्हेन कोन को कट करने के बाद जो पार्ट बचता है उसे कहते हैं फ्रस्टम प्लीज रिमेंबर दैट तो ये आपका हो गया आर वन ये आपका हो गया आर टू राइट डाउन द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया सी एस ए मीन्स व्हाट कर्व सरफेस एरिया दैट इज कोन का क्या है पाई आर एल है राइट कोन का सबको पता है पाई आर एल है
ज्वाइनिंग ओके ओके शेयर। सिकोन का क्या है स्टूडेंट्स, पाई आर एल है, लेकिन यहां पर देखो कोन नॉर्मली ऐसे होता है, तो यहां पर ये एक ही रेडियस होगा, यहां पर दे रहा है 2 रेडियस, तो क्या हो जाएगा पाई आर वन प्लस आर टू इंटू, राइट डाउन दिस इज द वे टू रिमेंबर, एंड टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, यही होगा राइट। ये टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा। सो व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, एवरीवन नो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, पाई आर वन प्लस आर टू इनटू एल प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, ये भी सर्कल फॉर्म में है, तो दिस शुड बी पाई आर स्क्वायर, दूसरा पाई आर टू स्क्वायर, क्लियर, ये लिख लीजिए। एंड ये जो होता है दिस इज कॉल्ड स्लैंट टाइट, पता है ना आप लोगों को, ये स्लैंट टाइट होता है, एल होता है, एंड हाउ टू फाइंड एल वेयर एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, राइट डाउन दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एल, अगर एल रिक्वायर्ड है तो। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो डेफिनेटली यू शुड नो द एल। सो एल कैसे निकालोगे, रूट एच स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन रेडियस उसका स्क्वायर, ओके। एंड वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज वॉल्यूम, राइट डाउन वॉल्यूम फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहां पर एच तो यहां पर आएगा, नॉर्मली कोन का फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट यहां पर ये फ्रस्टम में दे रहा 2 रेडियस, तो क्या होगा आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर वन इंटू आर टू, राइट डाउन दिस आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, दिस इज वॉल्यूम फॉर्मूला। तो जहां जहां पर आर है, जैसे भी कर्व सरफेस एरिया में आर है, तो हमने क्या पुट किया, आर वन प्लस आर टू, डिसेंबर, और वॉल्यूम में एक्चुअली कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है एक्चुअल कोन का, तो फर्स्ट टर्म का क्या होगा, 1/3 पाई, एच तो रहेगा ही, आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू हो जाएगा, रिमेंबर दिस, सो दिस वे यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूलेशन। ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट, अगर फर्स्ट टर्म पे अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हो इफ यू नो द फॉर्मूला। ओके, लिख लिया रहेगा तो यस कर दीजिए, सो वी कैन मूव अहेड। ये लिखा आप लोगों ने, स्टूडेंट काइंडली रिप्लाई। ओके, माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू रिप्लाई। योगेश लिख लिया है, योगेश, पूनम, पूनम लीला का, चलो ग्रेट, नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन
इस 42 मीटर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, एक सर्कुलर गार्डन का आपको रेडियस दिया है 42 मीटर, और हमें यह निकालना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इज, अराउंड इट इज। आप देखो स्टूडेंट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, द रेडियस दिया एक्स वाई, ये सर्कल है। चलो मैं आप लोगों को पूछता हूँ, लेट्स सी मुझे कौन बताता है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, ये आपका सर्कल है, ये आपका पॉइंट, ये आपका रेडियस हो गया। ये कितना दिया है स्टूडेंट्स, 42 मीटर दिया है। इज इट करेक्ट? द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग, सपोज ये पॉइंट ए है, और यहाँ वाला पॉइंट मैं पकड़ लेता हूँ, ये वाला पॉइंट बी पकड़ लेता हूँ, इसको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो वो हो जाएगा डायमीटर। हमें रेडियस दिया है आर वन, 42 मीटर, डायमीटर डबल हो जाएगा। आपको सभी को पता है डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, लेकिन हमें यहाँ पर उसका कुछ काम नहीं है। एंड ओके, अब पूछा क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड, मतलब हमें क्या करना है, अगर समझो किसी ने ए से स्टार्ट किया है तो वो यहां से स्टार्ट करके अगेन ए पे आएगा, तो वो 1 राउंड हो गया। वैसे दूसरा राउंड, ऐसे कितने राउंड्स कवर करने, 8 राउंड, तो मुझे कौन बताएगा 1 राउंड इज इक्वल टू व्हाट, 1 राउंड इज इक्वल टू व्हाट, क्या यूज होगा स्टूडेंट बताइए। योगेश, आपको सर्कल को 8 राउंड लगाना है, मतलब 1 राउंड इज इक्वल टू क्या होगा, उसने ए से स्टार्ट करके, एग्जैक्टली, वेरी गुड भाग्यश्री। देखो भाग्यश्री ने सबसे पहले आंसर दिया कि अब ए से स्टार्ट करके अगर ए तक आ रहे हो, 1 राउंड मतलब क्या होता है, उसका हो जाता है वो 1 सर्कमफेरेंस। यस वेरी गुड, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर है, यस और नो? तो कितना होगा सर्कमफेरेंस, 2 × 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना होगा 42 दिया है, तो 7 × 6 तो 44 × 6 हो गया, ये हो गया 1 राउंड। ऐसे कितने राउंड निकालने स्टूडेंट्स, 8 राउंड, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करो, 44 × 6 × 8 डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा 2112, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 राउंड। क्लियर दिस? टोटल डिस्टेंस, तो अगर आपको 8 राउंड निकालने, 20 राउंड निकालने, तो पहले आपको 1 राउंड का पता होना चाहिए, और 1 राउंड मतलब क्या होता है, विच इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिया है 2 पाई आर। क्लियर एवरीवन दिस? ये लिख लिया आप लोगों ने? सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एक ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन टेकन, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट? ट्रायंगल नेम इज व्हाट, ए बी सी, ए बी सी इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, उनके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे, ये ध्यान रखना, इक्विलेटरल मींस व्हाट, ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड एडी इज परपेंडिकुलर बोला है, एडी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी सी। देखो यहां पर
एडी कैसा है? परपेंडिकुलर टू व्हाट? बीसी. क्लियर एवरीवन? वेयर डी लाइज ऑन बीसी. और ये डी डी यहां पर आ गया. इफ एडी आपको दिया है, अगर एडी का वैल्यू आपको दिया है 4√3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एबीसी? आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड पेरीमीटर. अभी आप लोगों को ये पता है व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर इज नथिंग बट व्हाट? एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, यस और नो? एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, यस. अब इसमें आप, इसमें आपको एडी दिया हुआ है, हाइट. ओके, तो इसमें इक्विलेटरल में हाइट का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइट इज इक्वल टू, हाइट विच इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू इंटू साइड. ये फॉर्मूला लिख लीजिए, हाइट इज इक्वल टू वॉट? रूट थ्री बाय टू इंटू साइड. रूट थ्री बाय टू. और हाइट आपको कितना दिया है स्टूडेंट? हाइट कितना दिया हुआ है? 4√3. भर दो यहां पर 4√3 विच इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू इंटू साइड. तो देखो रूट थ्री कैंसिल हो गया, ये टू यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 कितना? 8. ये आपको साइड मिल गया. इज दिस क्लियर? 8 इज इक्वल टू व्हाट? साइड. तो ये तीनों इक्वल है, मतलब ए बी 8 होगा, ए बी 8 होगा, और ए बी 8 हो जाएगा. क्लियर दिस? सो व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर? मैंने आपको बोला था पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑल साइड्स. सो देयर आर 3 साइड्स, इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 साइड करो तो 24 सेंटीमीटर. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन? ग्रेट. तो यहां पर ये फॉर्मूला आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा. अगर सपोज लो ओके अगर समझो, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए स्टूडेंट्स, ये अगर फॉर्मूला आप भूल गए, स्टिल यू कैन फाइंड द, स्टिल यू कैन एबल टू फाइंड द साइड. कैसे फाइंड करोगे? बाय यूजिंग विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो ना. सपोज ये अगर आपका बी सी एक्स हो जाएगा, लेट अस अंडरस्टैंड. सपोज अगर बी सी आपका एक्स है, तो आपका मुझे बोलो डी सी कितना होगा स्टूडेंट्स? डी सी कितना होगा? एनी वन हु विल टेल मी? क्योंकि सपोज ये सारे साइड्स इक्वल रहेंगे ना, ए ए बी विच इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू ए सी, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गए. तो डीसी कितना होगा बोलो? डीसी मतलब क्या होता है? ये जो एडी है वो बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल, तो ये हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर. यस और नो? तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज 90 डिग्री. So what is Pythagoras theorem? AC square which is equal to AD square plus DC square हो जाएगा. तो AC हमने x पकड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा x square. AD कितना दिया है स्टूडेंट्स? AD मेरे पास है 4√3, तो 4√3 ये इसका भी स्क्वायर होगा. एंड DC हमने कितना पकड़ा? x/2, इसका भी स्क्वायर. ऐसे भी आप निकाल सकते हो इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला. Now just calculate this, what is going to become? X square, 4 ka square 16 into 3 plus x square divided by 4. 16 3 tha, kitna hoga? 48. Usko aise hi rakho, to x square minus x square by 4 which is equal to 48 ho gaya. Cross, yahan par kuch nahi to cross karo, 4x square माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, वो यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा 48 इंटू 4.
सो 4x² में से एक्स स्क्वायर गया, 3x² आया, विच इज इक्वल टू 48 इंटू 4, सो 3 16 यहां पर आया, राइट? तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया सिस्टम, 16 इंटू 4 64 आया, तो एक्स का वैल्यू कितना है देखो 8 आ गया, जो यहां पर मिला था हमें. क्लियर एवरीवन? सो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस आल्सो यू कैन फाइंड, बट दिस विल टेक अ टाइम. ओके, अगर आपके पास हाइट का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो यू कैन सेव टाइम. चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहां पर देखो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो जिस पे ये परपेंडिकुलर गिरता है, जैसे BC पे गिरा है, तो BC का जो बेस है वो परपेंडिकुलर हमेशा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. चलो क्लियर दिस? यस. नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, आई थिंक सो. क्वेश्चन नंबर 4 करो ट्राई. इन अ सर्कल विद अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है. इन अ सर्कल विद रेडियस, ये आपका रेडियस है. सपोज ये आपको दिया 5 सेंटीमीटर. A cord is at distance of 3 cm from center. यहां पर एक cord है, ये cord है, cord, और वो center से कितने distance पे students? 3 cm पे. Okay. Then length of the cord is what? तो हमें find क्या करना है students? Length of the cord. करो फटाफट. चलो कौन मुझे बताएगा क्या होगा लेंथ ऑफ द कॉर्ड? मतलब एग्जैक्टली यहां पर आपको क्या निकालना है? सपोज ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका ओ है, और ये आपका पॉइंट डी है, समझो. तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब एग्जैक्टली क्या निकालना है? ए बी निकालना. एट आ रहा है क्या? सिद्धि से 8. ओके लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. ओके तो अभी यहां पर आप क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल ओ डी बी, एंगल डी इज व्हाट? 90 डिग्री, राइट? ये 90 डिग्री हो गया, तो ओ बी बिकम्स डायगोनल. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा? ओ बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, यस और नो? ओ भी आपको पता है वो रेडियस है, विच इज ऑलरेडी गिवन 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 स्क्वायर हो गया. ओडी भी आपको पता है 3 स्क्वायर हो गया, और आपको निकाल डीबी मिल जाएगा. तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू डीबी स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 16 इज इक्वल टू डीबी स्क्वायर, तो डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा. लेकिन आपको ये वाला वैल्यू मिला, आपको पूरा ए भी निकालना है. तो हमेशा एक रूल पता है, जो सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर आता है वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करता है. तो अगर DB अगर 4 रहेगा तो AD भी तो 4 ही रहेगा ना. सो AB इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? AD प्लस DB. तो 4 प्लस 4 कितना हो गया योगेश? 8 सेंटीमीटर. क्लियर दिस एवरीवन? So, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में आते हैं. ये हो गया लिख के. ठीक है, चलो नाउ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए. The circumference of the base of a conical tent
ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 66 मीटर, इज 66 मीटर इफ द हाइट ऑफ द टेंट, इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 36 मीटर, वॉट इज द एरिया ऑफ द कैनवास? What is the area of the canvas used in making the test? Used in making the tent. बहुत 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 काफी अच्छा क्वेश्चन है. The circumference of the base of a conical tent. Conical tent का स्टूडेंट circumference पता रहेगा आपको कैसे रहते. तो पहले आपको ये बताना कि एरिया कैसे रहता. कौन का देखो ये कौन है, एक प्रकार का टेंट है इसका, ऑब्वियसली ये एरिया रहेगा. क्लियर दिस? ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, ये कोनिकल टेंट है. आपको पता रहेगा कोनिकल टेंट कहां पर, टेंट कहां पर यूज्ड है स्टूडेंट्स, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर व्हाट, जतरा, जो कोई फेयर लगता है देखो तो वहां पर अंदर सर्कस चलते रहता है, तो वहां पर ऐसा वाला टेंट यूज करते हैं. वो सर्कल शेप में नीचे से रहेगा, तो नीचे यहाँ पर जहां पर सर्कल रहेगा वहां पर कपड़ा यूज नहीं होगा, कपड़ा साइड से होगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट, कर्व सरफेस एरिया, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, लैटरल सरफेस एरिया. क्लियर एवरीवन? तो हमें क्या पूछा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल टेंट 66 मीटर दिया हुआ है, जो कौन सी शेप में है, सर्कल शेप में. एंड इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 36 मीटर, मतलब ये हाइट भी दिया हुआ है, ये हाइट है 36 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट. तो कितना कैनवास लगा है टेंट बनाने के लिए, कौन फाइंड करेगा स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट. चलो ट्राई करो. Okay, students, now see, let me tell you, देखो लेट मी टेल यू, सपोज आपको व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट, मतलब आपको ये लैटरल, ये वाला कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है. तो क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का स्टूडेंट्स, पाई आर एल. यस, वेरी गुड वेरी गुड योगेश, पाई आर एल. नाउ हियर यू नो व्हाट इज पाई, पाई इज व्हाट, 22/7. व्हाट इज रेडियस, दैट वी डू नॉट नो, एंड हाइट वी हैव अ 36. सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड रेडियस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर. यस और नो, सर्कमफेरेंस गिवन 66, 2 into 22 by 7 into radius. So 66 into 7 divide 44, which is equal to radius. So 44, 22, 2s are 23, 3s are. The radius kitna aaya students? 21 by 2. Yahan tak sabko clear ho gaya? Radius 22 by mila. Agar aapko height pata hai, to aap yahan se एल भी तो निकाल सकते हो. कौन से फॉर्मूला से, एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस व्हाट, आर स्क्वायर. हाइट स्क्वायर यू नो व्हाट इज हाइट स्टूडेंट्स, 36 स्क्वायर प्लस रेडियस कितना मिला है, 21 बाय 2 का स्क्वायर.
इससे आपको लेंथ मिलेगा स्टूडेंट्स 75/2, लेंथ भी मिल जाएगा 75/2। बस तो अभी खाली फॉर्मूले भर दो, आर कितना मिला 21/2 और लेंथ हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस 75/2। इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस यू विल गेट 1237.5। राइट डाउन दिस। सो अंडरस्टैंड कि हमने एक्चुअली क्या पूछा और हमने क्या कैसे फाइंड किया है। हमें यह पूछा है कि कितना कपड़ा लगेगा, कितना कैनवास यूज होगा वो टेंट बनाने के लिए। टेंट का शेप कैसा है स्टूडेंट्स, कौन शेप में है? ऑब्वियसली जमीन पे तो कपड़ा यूज नहीं होगा, तो ऊपर की तरफ, मतलब ये है आपका पूरा कव सरफेस एरिया। रिमेंबर दिस। क्लियर एवरीवन दिस? It's done. Next, see. Okay, very good question. Now, अभी काफी अच्छा question आ रहा है. Question number 7, I suppose. Question number 6 होगा शायद. 5 cubes. 5 cubes, each of 3 centimeter. Each 3 centimeter are joined end to end. What is the total surface area? Total surface area of the resulting cuboid of the resulting cuboid in centimeter square in centimeter square. काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये 5 क्यूब बोले, 5 क्यूब ईच ऑफ एज, हर एक का एज 3 सेंटीमीटर, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, सबको ज्वाइन करते जा रहे हैं। 5 क्यूब को ज्वाइन करो एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट होगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। सी पहले हम लोग ये देखते हैं कि सपोज अगर ये देखो एक क्यूब है, पहले मैं आपको ये क्यूब आपको दिखा देता हूं। ये दिखा क्यूब आपको, ये क्यूब है स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा एक क्यूब है और उसका एक एज कितने का है, ये एज 3 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होना चाहिए क्यूब इज नथिंग बट व्हाट, मुझे बताइए क्यूब का 2D डायग्राम क्या होगा? यस योगेश, क्यूब का 2D डायग्राम क्या होगा? एग्जैक्टली स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है योगेश? ऑल साइड्स आर व्हाट, इक्वल। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा स्टूडेंट्स की एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। अगर सपोज आपने खाली यही लिया, अगर यही स्क्वायर लेते हो, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो एरिया क्या मिलेगा, साइड स्क्वायर
तो 3 स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। लेकिन आप क्या बोला है स्टूडेंट्स कि हमें ये पूछा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब सपोज अब मैं आपको एक डायग्राम निकाल के बता देता हूं। सपोज 5 क्यूब है, और ये 5 क्यूब है, राइट। अब ये 5 क्यूब स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो देखो आपको कौन कौन सा सरफेस एरिया दिखता है। एक ये मैंने ज्वाइन कर लिया, राइट, और ये यहाँ पर एक ज्वाइंट हो गया। क्लियर दिस एवरीवन? ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ फेसेस यू कैन सी, या कितने फेसेस हो सकते हैं, हाउ मेनी फेसेस यू कैन एबल टू सी, टेल मी एनीवन। ज्वाइन करने के बाद एक क्यूबॉइड बन गया है, एंड हाउ मेनी फेसेस यू कैन एबल टू सी। देखो स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जो आपको दिख रहा है, ऊपर का भी आपको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। इसके नीचे भी तो रहेगा ना स्टूडेंट्स, ये 1 के नीचे भी तो रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर आपने 1 लिखा उसके बैक साइड पे भी रहेगा। तो मतलब ऐसे कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, हाउ मेनी, 4 ना, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। ये वाला देखो, इधर वाला 21, और यहां वाला जो जो इस तरफ छुप गया है वो वाला 22। तो टोटल कितने रहेंगे, ये 20 और ये, मतलब ये सपोज ये 1 पकड़ो एक्स्ट्रा 1 और ये 2 पकड़ लो, तो मतलब 20 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे, 22। ये सब आपको क्लियर हो गया कैसे आया 22, यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, वेरी गुड। तो ये 22 आया, तो क्या निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 22 इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो हमने भी निकाला है 22 इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, 9, जब यहां पर देखो निकाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट डाउन दिस। दिस इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो सपोज स्टूडेंट्स यहां पर 5 की जगह अगर 6 होता, 6 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, अब मुझे बोलो क्या आंसर होता, टेल मी फास्ट। अगर 5 की जगह 6 क्यूब्स होते और हर एक का एज 2 सेंटीमीटर होता, एनीवन? क्या हो सकता है स्टूडेंट्स,
108 होगा क्या? ओके, लेट मी चेक। देखो कैसे हो सकता है। यस योगेश, प्लीज चेक योर आंसर। इट शुड बी 104 बिकॉज देर आर 6 क्यूब्स। और एज क्या बोला है? 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, बिकॉज साइड स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? बिकॉज ये सब 2 2 ही रहेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड सेम रहेगा। अब देखो देर आर 6 क्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6। ये आप ओरली बात ये बात नहीं, आप लोग ओरली भी कर सकते हो वंस यू डन विद द प्रैक्टिस, राइट। और ये एक यहाँ पर एक नीचे दिख रहा है। अब ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो ये 24 हो गया। और यहाँ का एक और यहाँ का इस तरफ एक जो छुपा है, तो +2 मतलब कितने हो जाएंगे? 26 × 4 करो, कितना हो गया? 104। क्लियर योगेश? इज दिस क्लियर एवरीवन? पूनम, चलो ग्रेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट 8। अ सॉलिड क्यूब वॉल्यूम 1 3 8 2 4 1 3 8 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, द रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स। देखो यहां पर क्या बोला स्टूडेंट्स, सॉलिड क्यूब वॉल्यूम आपको दिया है 1 3 8 2 4 सेंटीमीटर, राइट, वॉल्यूम दिया हुआ है। उसको वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस कट इनटू 8 क्यूब्स, मतलब वो ऑफ इक्वल वॉल्यूम। मतलब देखो क्या है, मतलब सपोज अगर आप पकड़ लीजिए कि 8 क्यूब्स में कर रहे हैं, मतलब सपोज लोग अगर हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि एक 8 सेंटीमीटर क्यूब उसका अगर वॉल्यूम अज्यूम करते, क्योंकि वो एक क्यूब को वो 8 क्यूब में डिवाइड कर रहे इक्वल वॉल्यूम वाले, यस और नो? तो मुझे बताइए, देखो यहां पर दो इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। एक होता है देखो लेट मी टेल यू, वॉल्यूम हम लोग अगर निकालते हैं, एक सपोज वॉल 3D होगा, एक होता है स्टूडेंट्स 2D और एक होता है 1D, हमेशा ध्यान में रख लिया। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। तो 3D, एक्चुअली 3D मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? 3D इज नथिंग बट वॉल्यूम, 2D मतलब एरिया, और 1D मतलब साइड होगा, यह हमेशा ध्यान में रख लीजिए। 3D इज नथिंग बट वॉल्यूम, 2D इज नथिंग बट एरिया, और 1D इज नथिंग बट व्हाट? साइड। अब सपोज ये आपका क्यूब है, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, ये क्यूब है राइट, इसका वॉल्यूम हम लोग अज्यूम करते हैं कि 8, मतलब एक बड़े 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 इसको ये लोग छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे 8 इक्वल पीस है। लेकिन वो 8 इक्वल पीस किसके है? 8 इक्वल, अगर समझो आपने 1 2
चार, पांच, छह, सात और आठ, इन सबको आपने मिला दिया तो एक बड़ा पीस बनेगा जो यहां पर मैंने दिखाया है, उसका वॉल्यूम मैं पकड़ता हूँ आठ, क्योंकि वो आठ क्यूब्स में उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर इसका अगर मैं वॉल्यूम पकड़ता हूँ 8:8, इसका 8 पकड़ता हूँ, तो इसका कितना होगा? 1 होगा, यस और नो? क्योंकि वो एक एक वॉल्यूम, तो ये एक वॉल्यूम होगा, ये दूसरा वॉल्यूम, ये तीन सारे को मिला के 8 वॉल्यूम हो जाएगा, यस और नो? छोटे वाले का वॉल्यूम रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और बड़े वाले का रहेगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा, फिर एरिया क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, ये जो वॉल्यूम आया स्टूडेंट, ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम जो आया है क्यूब का, ये वॉल्यूम कैसे आया? मतलब ये वॉल्यूम कैसे आया? अगर उसका साइड अगर 2 होगा, फॉर्मूला क्या है क्यूब का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? मुझे बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है योगेश? ए क्यूब है, राइट? तो ए क्यूब है मतलब ये 8 कब आएगा? जब उसका साइड कितना होगा योगेश? 2 होगा, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? 8 होगा, यस और नो? यस। तो ये आपका साइड कितना हो जाएगा? 2, तो ये 2:1 ही रहेगा। अगर ये 2 है तो एरिया क्या होगा बोलो योगेश? एरिया साइड स्क्वायर ना, एरिया क्या है, फॉर्मूला क्या है एरिया का? एग्जैक्टली, साइड स्क्वायर। तो देखो ये मैं आपको मतलब यहां पर इसका कोई यूज ही नहीं है, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4:1। ओके, अभी आपको करना क्या स्टूडेंट, आपको रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकाल? द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना मिला? 4 डिवाइड ओरिजिनल क्यूब का 4 है, टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 स्मॉलर क्यूब्स। तो सरफेस एरिया ऑफ द 3 स्मॉलर क्यूब्स कितना होगा? 1 1 1, 3 का सबका सेम रहेगा, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 4/3। राइट डाउन दिस। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है 13824, इससे करोगे तो बहुत समय चला जाएगा और इससे हमें करना भी नहीं है, कि टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर। क्लियर एवरीवन? पूनम दिस क्लियर? चलो, होप दिस क्लियर। यस, ग्रेट। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। स्पीयर ऑफ रेडियस, स्पीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। अ स्पीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्पीयर ऑफ रेडाई, 2 सेंटीमीटर इच। हाउ मेनी सच स्पीयर, कैन बी मेड? चलो कैसे करोगे? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और स्पीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्पीयर ऑफ रेडाई 2, हाउ मेनी सच स्पीयर कैन बी मेड?
चलो अब हम लोग उसको आपको मैं चलो दो दो वैसे करते हैं स्टूडेंट। देखो यहां पर क्या क्या दिया है पहले उसको ध्यान में रख लीजिए। देखो ये एक स्पीयर है राइट, स्पीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला स्पीयर है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और उसको रिकास्ट मेल्ट करते हैं और रिकास्ट करते हैं इनटू स्मॉलर स्पीयर ऑफ रेडाई 2 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर, क्लियर एवरीवन दिस? मतलब 4 सेंटीमीटर को मेल्ट करके उसको 2 सेंटीमीटर में वो लोग ऐसे बनाते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से 2 सेंटीमीटर रेडियस से कितने स्पीयर बन सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो देखो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का क्या, इसको मैं वॉल्यूम 1 पकड़ता हूँ, ये वॉल्यूम 2 पकड़ता हूँ, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का स्टूडेंट्स? 4/3 πr³। यस, ये R1 हो जाएगा, और दूसरा वॉल्यूम का इसका भी तो सेम ही रहेगा, छोटा भी रहेगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 4/3 πr³। इज दिस करेक्ट और नॉट? तो आप लोग क्या करोगे, बड़े को छोटे से डिवाइड कर देना। आप जब बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड आ जाएगा, यस और नो? तो देखो 4/3 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया। फाइनली व्हाट इज रेडियस? 1, 4 × 4 × 4, व्हाट इज छोटे का रेडियस? 2 × 2 × 2, सो 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो फाइनली कितना होगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब। राइट डाउन दिस, क्लियर एवरीवन दिस? क्लियर एवरीवन दिस? ओके अब देखो इसमें अलग वैसे कैसे करेंगे, हमें एक साइड दिया है, मतलब हमें एक रेडियस दिया हुआ है। अब आपको पता है ना कि सर्कल में साइड नहीं होता है, तो रेडियस को ही साइड पकड़ सकते हैं, तो वो रेडियस मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा राइट। तो रेडियस का रेशियो क्या मिलेगा बोलो? 4:2 है, मतलब रेडियस का रेशियो क्या मिलेगा? 2:1, यस और नो? तो ये हो गया 2:1। अगर रेडियस अगर आपका 2:1 है स्टूडेंट, मतलब साइड है, तो मुझे बोलो वॉल्यूम क्या होगा फास्ट स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मतलब क्या है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तो ये जाएगा 8:1। तो ऐसे हाउ मेनी सच स्पीयर्स कैन बी मेड ऐसे स्टूडेंट्स? 8 स्पीयर्स कैन बी मेड। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यस और नो? चलो अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, अलग अलग क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताइए। स्पीयर ऑफ रेडियस यहां पर दिख लीजिए 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्पीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्पीयर्स कैन बी मेड? बताइए मुझे फास्ट क्या होगा? ओरली बताइए क्या हो सकता है विदाउट यूजिंग अ पेन फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड एवरीवन। यस देखो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, 6:2 है, तो वो हो जाएगा 3:1। दिस इज नथिंग बट व्हाट, 1D। आपको निकालना है वॉल्यूम, मतलब आपको निकालना है 3D। सो आप क्या करोगे,
3 × 3 × 3 करोगे, बट ऑब्वियस है, तो ये हो जाएगा 27. तो 27 इज योर आंसर. हाउ मेनी सच स्पीयर्स कैन बी मेड? 27 सच स्पीयर्स कैन बी मेड. क्लियर एवरीवन? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इतना देखो, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू कैन डू इट ओरली विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. यस, ग्रेट. चलो, वेरी, थैंक यू पूनम, थैंक यू एवरीवन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, आई गेस. द रेडियस ऑफ स्पीयर, द रेडियस ऑफ स्पीयर इज रिड्यूस बाय 40% बाय वॉट परसेंट? Will its volume decrease? Its volume decrease. हमें ये पूछा है स्टूडेंट्स, अगर एक स्पीयर का रेडियस अगर 40% से कम किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कितने परसेंट से डिक्रीज होगा? यस, चलो एनी वन ट्राई करो एटलीस्ट. Okay, now pay attention students. Chalo, let's see. See, the radius of a sphere is reduced by 40% bola hai. Suppose ye ek aapka sphere hai. Ab isko reduce karoge to chota chota sphere banega. Yes or no? Yes. Ab suppose iska radius maine pakad liya 100. Ye maine pakad liya 100. To mujhe bataye students, iska kitna hoga fast? अगर ये 100 को अगर वो एग्जैक्टली 40% से रिड्यूस कर दे, ये हो गया 60, तो मुझे बताइए रेडियस का रेशियो क्या होगा? 100:60 मतलब कितना होगा? पाई बाई 3. यस और नो स्टूडेंट्स? तो अगर रेडियस अगर आपको 5/3 मिला, तो मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होगा? 5 × 5 × 5, ये 125, और ये कितना हो जाएगा? 27. देखो बहुत सिंपल वैसे पढ़ा रहा हूं, क्लियर? तो जो ओरिजिनल था उसका 125 वॉल्यूम है, जो डिक्रीज हुआ उसका 27. अब वो कितने परसेंट से डिक्रीज है वो निकालना है, मतलब क्या करोगे? 125 − 27 / 125 × 100 करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? 125 minus, that is 98 upon 125 into 100, which is equal to 78.4%. Write down this. नीचे 125 हमने क्यों लिया? Because 125 से कम हुआ है ना, और हमें decrease बोला है, तो base उसका 125 रहेगा, क्योंकि original 125 था और वहां से वो 27 पे आया हुआ है. तो ये कितना परसेंट डिक्रीज हुआ स्टूडेंट्स? डिक्रीज 78.4%.
ये क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट, नेक्स्ट करो। यस आपको दिया है द कर्व सरफेस एरिया, 12 होगा साइड, द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर आर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 924 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू हाइट? द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आपको दिया हुआ है आर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 924 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू हाइट? ये हमें निकालना है। ये आपका सिलेंडर है समझो, राइट? ये सिलेंडर है, दिस इज रेडियस, ये भी एक रेडियस है। अब मुझे बताइए व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला? कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया मीन्स व्हाट? सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल इनटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया मीन्स व्हाट? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू हाइट, और वॉल्यूम क्या रहेगा? एरिया ऑफ द सर्कल इनटू हाइट। हमें निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू हाइट। तो हमें रेडियस टू हाइट निकालना है, तो व्हाट वी कैन डू, सी 2 पाई आर एच डिवाइड पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच का मतलब क्या है? उसका ही रेशियो निकालो डायरेक्ट। 2 पाई आर एच मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? 264 एंड ये 924 दिया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो पाई कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया, यहां से रेडियस और एक रेडियस नीचे बचा है। ये 2 वन, ये हो गया 132। यस, ये 132 हो गया। अब 132 इंटू अगर आप 7 करोगे तो 7 2 14, 1 आया, 13 × 7 91 + 1 92, तो 132 7 हो गया। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 बाय आर विच इज इक्वल टू 1 बाय 7, तो रेडियस का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। यस और नो? आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू हाइट निकालना है। रेडियस पता चल गया 7, हाइट आप इसमें भर दो। तो अगर आपने कर्व सरफेस एरिया में अगर हाइट भर दिया, मतलब 264 विच इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस? 7 इंटू हाइट मिल जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया, तो ये 22 × 2 मतलब 264 / 44 होगा विच इज इक्वल टू हाइट। तो 44 इंटू आप 6 करोगे तो स्टूडेंट्स मिलेगा 264 6, तो यहां पर आया हाइट 6 आया, तो 7/6 ये इसका आंसर है। राइट डाउन दिस। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा, बट द ओनली थिंग इज दैट यू मस्ट बी
गुड एट कैलकुलेशन एंड आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. प्लीज डू रिमेम्बर दिस. क्लियर दिस एवरीवन? हमें रेशियो ही निकालना था तो हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया. तो वहां से मुझे एक रेडियस मिला, उसी रेडियस को मैंने कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पुट किया तो मुझे वहां से हाइट मिल गया. तो मेरा फॉर्मूला हो गया रेशियो इंटू हाइट, दैट इज 7:6. इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट. एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे स्टूडेंट्स. फिर ये टॉपिक में देखो क्वेश्चन आप जितना करोगे उतने कम है, बिकॉज ये सारे फॉर्मूले पे है. मैंने सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं जहां पर ये जो क्वेश्चंस पूछे गए, जहां पर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहेगा. ये फॉर्मूले पे बेस्ड है या कुछ कॉन्सेप्ट है? सी, अब ये वाला देखो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 7480 सेंटीमीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ इज 1.4 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर देन इट्स थिकनेस ये आपको निकालना है. थिकनेस पहले आपको ये समझना है कि पाइप होता क्या है. सी, ये मेटालिक सिलेंडर नहीं बोला है, मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप. तो देख लीजिए मैं आपको समझा रहता हूं. सपोज स्टूडेंट्स ये एक है, अब ये आपका पाइप है. सपोज यहां पर मैं निकाल देता हूं, ये देखो. अब स्टूडेंट देखो मैं इसको ज्वाइन करता हूं, थोड़ा ऐसा और ये इंटरनली ये अंदर से भी ज्वाइंट है ऐसा. क्लियर एवरीवन? ये तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो थिकनेस है, ये वाला देखो, ये वाला थिकनेस मतलब द डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल एंड आउटरनल जो सर्कल रहेगा उसके बीच वाला थिकनेस, ये आपको थिकनेस निकालना है. क्लियर हो गया? आप लोगों ने पाइप तो देखा रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक रहता है राइट, अंदर से जिस यहां से इसमें इसमें से देखो पानी जाएगा राइट, यस और नो? यस. तो इसमें कैसा रहेगा देखो स्टूडेंट्स, आपके पास दो वॉल्यूम रहेंगे, एक अंदर जो एरिया ऑफ अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अंदर वाला जो ये अंदर वाला एक सिलेंडर है जो ये बना है राइट, और एक बाहर वाला है. तो पहले V1 निकालते सपोज वो ले लीजिए, पहले बाहर वाला पकड़ लेते पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा वो भी सेम ही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच.
क्लियर एवरीवन। अब यहां पर क्या बोला है, इफ इट्स लेंथ इज 1.4 सेंटीमीटर, अब वो सेंटीमीटर में दिया है, ये 9 सेंटीमीटर है, सॉरी सॉरी, ये 1.4 मीटर है, दिस इज 1.4 मीटर स्टूडेंट, बाकी सारी चीज सेंटीमीटर में है। तो 1.4 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में करना है तो वो हो जाएगा 140 मीटर, यस और नो? सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो कैसे हो जाएगा, आपको पता है ना, 1.4 × 100 होगा, सो ये हो जाएगा 140 मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। ओके, एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस दिया है, मतलब हमें एक रेडियस दिया हुआ है, सपोज पकड़ लीजिए आपको R1 दिया, ये R1 है और ये R2 समझ लीजिए। तो देखो यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, तो आपको बाहर का रेडियस दिया है, अंदर वाला हमें निकालना है। तो एक्सटर्नल रेडियस मेरे पास है कितना है वो स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर। तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, आप बाहर वाले में अंदर, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करोगे तो भी तो आपको थिकनेस मिलेगा, तो V1 - V2 विच इज इक्वल टू पाई R1² - पाई R2² कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई एच कॉमन आ गया, अंदर बचा R1² - R2², इज दिस क्लियर? अब ये ध्यान में रख लीजिए स्टूडेंट्स, मेटालिक सिलेंडरल पाइप का जो वॉल्यूम होता है वो बाहर और अंदर वाले जो सिलेंडर होता है उसका डिफरेंस, मतलब ये जो दिया है V1 - V2 ये वैल्यू दिया हुआ है, और यही पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर। क्लियर एवरीवन दिस? अब पाई का वैल्यू दिया है 22/7, हाइट मुझे मिला 140, R1 का वैल्यू 9 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 81, और आपको निकालना है R2, और ये आपके पास दिया है 7480। क्लियर? तो ये हो जाएगा 72 जा, यहाँ पर आया 20, ये जीरो भी कैंसिल हो गया। ओके, तो ये 2 748 का हाफ होगा 374, ये 2 1 जा, ये हो जाएगा 374, हाफ कर दो तो फाइनली बचा क्या, 374 डिवाइड 22 विच इज इक्वल टू 81 - R2 का स्क्वायर, इसको आप डिवाइड कर दो, 22 1 जा 22, 22 7 जा 37, ये हो जाएगा तो 17, यस। तो अब ये R1 यहां पर हो गया, R2² विच इज इक्वल टू 81 में से 17 गया तो बचा आपको 64, तो R2 का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, आया 8। अगर R2 का वैल्यू 1 आया है तो थिकनेस क्या बनेगा स्टूडेंट, व्हाट इज थिकनेस गोइंग टू बी, नाइन माइनस एट, वन सेंटीमीटर, राइट डाउन दिस, 9 इज व्हाट, एक्सटर्नल रेडियस, और ये आया आपका, आपको थिकनेस निकालना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, 1 सेंटीमीटर। तो 9 में से 8 गया, 8 इज व्हाट, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो उन दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड थिकनेस। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? सो देर आर सम क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको वहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को वो चीजें इजीली आनी चाहिए फास्ट। होप दिस क्लियर।
क्लियर एवरीवन दिस? ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। सो यस, आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी सीन टुमारो। कल भी आपका सेशन रहेगा, कल 11 बजे अपना सेशन रहेगा, 11 to 12:30 अपना सेशन चलेगा। ओके हम लोग यही टॉपिक कल कवर करने वाले हैं। इसमें और कुछ क्वेश्चंस हम लोग 10-12 क्वेश्चन इसमें और कुछ देख लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक परफेक्ट हो जाए। ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, यस, बट इसमें देर आर मेनी फॉर्मुलेज विच एवरीवन हैज टू रिमेम्बर एंड देर आर सम कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा था अभी, वो अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लोगे तो दैट वुड बी रियली ग्रेट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक। क्लियर है? ये बैंकिंग एंड SSC दोनों में आता है तो आपको दोनों में इसका बेनिफिट होगा। ओके एंड देन अपना एक ही टॉपिक बचेगा जो अपना 14 डेज का जो मैथ वर्कशॉप था उसमें से अपना